जोहार झारखंड, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। और आज का ये विशेष सत्र जो है 11th जेपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों का आंसर आप कैसे लिखें, किस तरह से आप ये आंसर राइटिंग के स्किल को डेवलप करें, इसी पर केंद्रित है। और इसलिए आज हमने पेपर 3 के अंतर्गत हिस्ट्री सेक्शन के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और इस प्रश्न का उत्तर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप किस तरह से लिखेंगे, कैसे आप ये आंसर लिखें जिससे आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त करें, उसी के संदर्भ में आज हम आपसे विचार विमर्श करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या आपका राइट डायरेक्शन हो सकता है प्रश्नों का आंसर लिखने के क्रम में। तो चलिए हम देखें हमारा प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है 11th जेपीएससी मेंस में हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत। क्रिटिकली एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधार की आलोचनात्मक समीक्षा करें। जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं और खास करके अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आता है, यानी ही वॉज ए वेरी ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट इन मेडाइवल पीरियड। जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार सुधार है, जिसको आम तौर पर पॉपुलर रूप में आप बाजार नियंत्रण के रूप में जानते हैं या मूल्य नियंत्रण के रूप में जानते हैं, उसी पर यह प्रश्न केंद्रित है। तो प्रश्न का जो संदर्भ है, जब आप इसके आंसर को लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रश्न का जो की पॉइंट है या की वर्ड जो है ये है मार्केट रिफॉर्म यानी बाजार सुधार। तो जब आप इस प्रश्न की इंट्रोडक्शन को लिखें यानी भूमिका को अगर आप लिखने का प्रयास करें कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो भूमिका आप कैसे लिखें, है ना, इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखें, हमारा की टर्म क्या है, बाजार सुधार, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में, जब उसकी बाजार सुधार के संदर्भ में जब आप भूमिका या इंट्रोडक्शन लिखने जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महान आर्थिक सुधारक था जिसने बाजार सुधार के माध्यम से अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक के जो नीतियां हैं उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। और उसका यह बाजार सुधार एक तरह से मूल्य नियंत्रण पर केंद्रित था जिसमें जन कल्याणकारी भावनाएं भी निहित थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार है उस बाजार सुधार के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप इसके उद्देश्य के संदर्भ में भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी जो कि इकोनॉमी के सेक्टर में सुधार करना चाहता है, अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहता है और इकोनॉमी में सुधार करने के लिए वो बाजार में क्या क्या महत्वपूर्ण सुधार करता है, तो उसके बाजार सुधार के लक्ष्य क्या थे, क्या गोल था उसके बाजार सुधार का, फर्स्ट हमें इसी पे डिस्कस करना है। और उसके जो लक्ष्य हैं बाजार सुधार के संदर्भ में, जो उसके गोल थे, इस उद्देश्य के संदर्भ में समकालीन जो इतिहासकार हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो इतिहासकार है, उन इतिहासकारों में दो महत्वपूर्ण हैं, एक तो है कि बर्नी, है ना, जिसको जियाउद्दीन बर्नी के रूप में आप जानते हैं, और दूसरा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकारों में। अमीर खुसरो का भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि बर्नी जो है यह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार सुधार है उस बाजार सुधार का मुख्य उद्देश्य
उसकी प्रशासनिक एवं सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। यानी अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार के माध्यम से अपनी प्रशासनिक व्यय को कम करना चाहता था, अपने सैन्य व्यय को कम करना चाहता था और कम खर्च पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर सैन्य संगठन का निर्माण करना चाहता था। यही उसके बाजार सुधार का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी तरफ अगर अमीर खुसरो को अगर आप देखें तो अमीर खुसरो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का उद्देश्य जो है, ये दो तरह के उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का। एक, अमीर खुसरो कहते हैं कि इसका उद्देश्य जन कल्याणकारी था, यानी वह जन कल्याणकारी उद्देश्य से बाजार में सुधार करता है और इस जन कल्याणकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाजार सुधार के अंतर्गत वह मूल्य नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी मूल्य नियंत्रण के माध्यम से, कीमत नियंत्रण के माध्यम से, मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के माध्यम से जनता का कल्याण करना चाहता था। यही अलाउद्दीन खिलजी के इस बाजार सुधार का उद्देश्य था। तो इंट्रोडक्शन लिखते हुए थोड़ी सी चर्चा आप उसके बाजार सुधार के उद्देश्य पर करेंगे और जब आप उद्देश्य को स्पष्ट कर देंगे तो फिर हम आएंगे कि इसका जो बाजार सुधार है उसके अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसको आपको हाईलाइट करना है। यानी रियल सेंस में आपको देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार है यह बाजार सुधार किस रूप में आगे बढ़ता है, राइट। तो जब बाजार सुधार को देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से बाजार सुधार करता है, तो जैसा कि अमीर खुसरो ने कहा कि बाजार सुधार के माध्यम से वह मूल्य नियंत्रण करना चाहता था, मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करना चाहता था और इस मूल्य नियंत्रण की प्रक्रिया की व्याख्या जो है बर्नी कहता है कि इस मूल्य नियंत्रण से फायदा जो है उसके प्रशासनिक के और सैनिक जो उसके उद्देश्य थे उसको ध्यान में रख करके उसने मूल्य नियंत्रण का काम करने का प्रयास किया था। लेकिन अमीर खुसरो कहते हैं कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल्य नियंत्रण है इससे जनता को भी लाभ हुआ। तो हमें इसके अंतर्गत इस बात को स्पष्ट करना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय मध्यकाल में किस प्रकार से मूल्य नियंत्रण किया। देखिए, अगर थोड़ा भी अगर आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, तो मूल्य नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मांग का प्रबंधन करते हैं और आपूर्ति का प्रबंधन करते हैं। यानी मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एवं सप्लाई का जब तक आप प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी वस्तु का मूल्य नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार सुधार के अंतर्गत वस्तुओं के मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन करता है और इस मांग एवं आपूर्ति के प्रबंधन के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कैसे कैसे वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ये आपको स्पष्ट करना होगा। तो वस्तुओं के मूल्य के नियंत्रण के लिए, मांग एवं आपूर्ति के प्रबंधन के लिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला काम क्या करता है कि तीन प्रकार के बाजार का निर्माण करता है। यानी बाजार जो है, मार्केट जो है, उसके अंतर्गत वह देखता है कि तीन तरह के बाजार का एक तो वह निर्माण करता है। एक तो खाद्यान्न बाजार, राइट, यानी फूड ग्रेन से संबंधित मार्केट का निर्माण करता है और यहाँ खाद्यान्न के मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन करने का प्रयास करता है। दूसरा जो है वस्त्र एवं विलासिता से संबंधित जो वस्तु है, इस विलासिता से संबंधित वस्तु के बाजार का निर्माण करता है। तो दूसरा, यहाँ भी वो वस्त्र के मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन करता है और विलासिता से संबंधित वस्तु जो है
उसके मांग एवं नियंत्रण का प्रबंधन भी करता है। और तीसरा जो बाजार है जिसके अंतर्गत वह घोड़ा, मवेशी एवं दासों के बाजार का निर्माण करता है। तो यहाँ घोड़ा, मवेशी एवं दास जैसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसकी मांग या आपूर्ति का प्रबंधन भी करता है। ध्यान ये रखना है कि जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो घोड़ा सामान्यतः हम लोग बाहर से आयात करते थे, और सैनिक दृष्टिकोण से भी घोड़ा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इसके अंदर अलावे जो है दास प्रथा जो है इस समय एक संस्थागत प्रथा के रूप में थी, और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था जहां कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ था, तो वह मवेशियों के बाजार का भी प्रबंधन करता है। तो ये तीन तरह के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए वो क्या क्या व्यवस्था करता है ये हमें स्पष्ट करना होगा। तो इसके अंतर्गत देखिए कि खाद्यान्न जो बाजार है, खाद्यान्न एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते, इसकी आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। तो खाद्यान्न के बाजार में अगर वस्तुओं के मूल्य को फिक्स किया जाए, मूल्य को नियंत्रित किया जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा बल जो है खाद्यान्न की आपूर्ति का प्रबंधन करने पर है। ये बात ध्यान में रखना है कि खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो, क्योंकि खाद्यान्न के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। तो अगर समाज में खाद्यान्न की कमी होगी तो व्यक्ति जो है किसी भी कीमत पर खाद्यान्न को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था पर अलाउद्दीन खिलजी विशेष रूप से बल देता है, और खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए वो क्या क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लेता है इसकी चर्चा आपको करनी होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो दुआब क्षेत्र है, गंगा जमुना दुआब क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उन क्षेत्र में जो उसके भू राजस्व अधिकारी हैं उनको भू राजस्व वसूलने के संदर्भ में निर्देश देता है कि भू राजस्व जो है खाद्यान्न के रूप में भू राजस्व का संग्रहण किया जाए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भू राजस्व वसूलते समय अधिकारियों को इस बात पर बल देना है कि खाद्यान्न के रूप में भू राजस्व कर को वसूला जाए। दूसरा कि इसी समय वह अधिकारियों को यह भी निर्देश देता है कि अगर कृषकों के पास अतिरिक्त खाद्यान्न अगर बच जाता है, जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के बाद का खाद्यान्न है, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि कृषक अतिरिक्त खाद्यान्न को बेचने के लिए विवश हो जाएं। तो यहाँ दो बात ध्यान में रखना है कि एक तो टैक्स भू राजस्व जो है खाद्यान्न के रूप में लेने पर बल देता है, और दूसरा कृषकों को अतिरिक्त खाद्यान्न को बेचने के लिए विवश करता है। दो महत्वपूर्ण पहलू आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अगर खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न कहाँ पर हो रहा, कि ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा, और इस खाद्यान्न का जो उत्पादन है इस उत्पादन को या तो वो टैक्स के रूप में संग्रहण करने का प्रयास कर रहा या किसानों को विवश कर रहा कि आप अपने खाद्यान्न को बेच दो। अब इन खाद्यान्नों के आपूर्ति यानी शहरी क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति को बनाए रखने के लिए यहाँ से वो क्या करता है कि एक तरह से इसके परिवहन की व्यवस्था करता है, यानी इसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाद्यान्न भू राजस्व के रूप में वसूली जाएगी या कृषक अपने खाद्यान्न को बेचेंगे तो उनके द्वारा बेचे गए खाद्यान्न को शहरी क्षेत्र में लाया कैसे जाए। इसके लिए वो क्या करता है कि यहाँ पर कारवानी व्यापारी बहुत फेमस थे, जो कारवा में चला करते थे, उनके पास
लद्दू एनिमल होते थे, उन करवानी व्यापारियों को या बंजारा को अलाउद्दीन खिलजी ने निर्देश दिया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जो भू राजस्व के रूप में खाद्यान्न का संग्रहण किया जा रहा या जो खाद्यान्न कृषकों के अतिरिक्त खाद्यान्न को खरीदा जा रहा उसको आप ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र या दिल्ली की ओर जो है आप लेकर आए। इसके बदले में क्या करता है कि जो करवानी व्यापारी हैं या बंजारा है इसको दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसाने का काम करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली के यमुना नदी के किनारे जो है इनको बसाने का प्रयास करता है और इसके लिए इनको आर्थिक मदद भी करता है। यानी एक तो खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए भू राजस्व के रूप में ले रहा और उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी उसने कर ली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो खाद्यान्न जो है अतिरिक्त खाद्यान्न उसके भंडारण के लिए दिल्ली और राजस्थान के झाइन में अन्न भंडार गृह का निर्माण करता है। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि सामान्य परिस्थिति में खाद्यान्न का अगर उत्पादन हो रहा तो खाद्यान्न की उतनी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन कभी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए कि खाद्यान्न की कमी हो तो उसकी आपूर्ति के लिए भी इन अन्न भंडार गृहों का निर्माण किया जाता है। और इस अन्न भंडार गृह के अंतर्गत उसने एक नियम का प्रतिपादन किया कि आकस्मिक स्थिति में जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमें जन वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक परिवार को हाफ मन जो है खाद्यान्न जो है प्रत्येक महीना देने की व्यवस्था किया जाए। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बातें उसने खाद्यान्न की आपूर्ति के संदर्भ में किया। इसके अलावा उसने क्या किया कि जो दिल्ली में अस्थाई व्यापारी हैं यानी जिनका अस्थाई दुकानदार है इन अस्थाई दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया। यानी दुकानदार खाद्यान्न बेचेंगे तो वैसे दुकानदार खाद्यान्न बेचेंगे जिनके पास खाद्यान्न बेचने का लाइसेंस होगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर उसने खाद्यान्न की कीमत सूची प्रत्येक दुकान में खाद्यान्न की कीमत सूची एक तरह से टंगवा दिया कि आप अपने दुकान में कीमत सूची लगा के रखिए और उसी कीमत सूची पर आपको खाद्यान्न को बेचना है। अगर कोई दुकानदार जो कि लाइसेंसधारी दुकानदार है अगर किसी तरह का भ्रष्ट आचरण करता है यानी कीमत से अधिक मूल्य लेता है या कम तौलता है तो उसके साथ बड़ी ही कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो भी दुकानदार जो है कम तौले उसके शरीर से उतना मांस काट लेना चाहिए। यानी एक तो ये सारी व्यवस्था करता है, इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी करता है। एज ए होल जब हम बात करेंगे तो किस तरह की एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था भी करता है इस बाजार सुधार को लागू करने के लिए। लेकिन खाद्यान्न के बाजार के संदर्भ में आप इतनी बातों को उसमें लिखेंगे। यहाँ वस्त्र एवं विलासिता से संबंधित जो बाजार था जिसको उसने सराय ए अदल नाम से संबोधित किया, सराय ए अदल। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वस्त्र एवं विलासिता से संबंधित जो वस्तु है उसमें दो तरह के वस्तुएं हैं। एक वस्तु जो कि भारत में जिसका उत्पादन हो रहा है और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिसका भारत में उत्पादन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, हमें उसका आयात करना पड़ता है। तो चूंकि आयात पर आधारित जो वस्तु है उसकी आपूर्ति बनाए रखना बड़ा कठिन होता है और इस समस्या के निराकरण के लिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है मुल्तानी जो व्यापारी हैं इन मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम राशि प्रदान करता है। यानी एडवांस में उनको मनी प्रोवाइड करता है और लगभग 20 लाख टका जो है मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम राशि प्रदान करता है ताकि जो मुल्तान से जो कपड़े वो लाया करते थे या विलासिता से संबंधित वस्तु लाया करते थे वे वहाँ से उन वस्तुओं का आयात करें और आयात ही नहीं करें बल्कि
निर्धारित कीमत सूची पर सराय अदल में उसको बेचे। तो एक तो यहाँ पर ये बात वो करता है, दूसरा कि वस्त्र विलासिता से संबंधित जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन सभी दुकानदारों का पंजीकरण करता है, है ना, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जिसका पंजीकरण नहीं है, वह वस्त्र या विलासिता से संबंधित वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करवा सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए विलासिता से संबंधित जो वस्तु होती है उस वस्तु की मांग का भी प्रबंधन हम कर सकते हैं, ठीक है। मांग का प्रबंधन का मतलब क्या है कि अगर विलासिता से संबंधित वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा है और अगर वह वस्तु हमारे यहाँ उत्पादित नहीं हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर करना पड़ रहा, उस स्थिति में हम ऐसी आर्थिक प्रणाली का अनुसरण कर सकते हैं कि लोग विलासिता से संबंधित वस्तुओं की मांग ही कम करें। इसके लिए, इसके मांग के प्रबंधन के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इसके प्रबंधन के लिए वो परमिट व्यवस्था का शुरुआत करता है, यानी परमिट जारी करता है। यानी वही व्यक्ति जो है विलासिता से संबंधित वस्तु का क्रय कर सकता है बाजार में, जिसके पास परमिट हो, और परमिट जारी करने के लिए एक स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति करता है जिसको हम करते हैं परवाना नवीश। तो एक तरह से विलासिता से संबंधित वस्तुओं का किस तरह से वो प्रबंधन करता है, आपूर्ति का भी यहाँ प्रबंधन करता है और मांग का भी प्रबंधन करता है। ध्यान ये रखना है कि खाद्यान्न की मांग का प्रबंधन बहुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना भोजन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और जब कभी भी खाद्यान्न के मांग का प्रबंधन करेंगे, कहेंगे कि नहीं कम खाना खाकर आप जियो, तो सोसाइटी में रिवोल्ट हो जाता है। लेकिन विलासिता से संबंधित वस्तुओं के मांग का वो कम किया जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जो है वस्त्र एवं विलासिता से संबंधित वस्तुओं के प्रबंधन के अंतर्गत इसका प्रबंधन करता है। इसके अलावा घोड़ा मवेशी एवं दासों के जो बाजार है, इस बाजार में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि को नियंत्रित करता है वो है दलालों की गतिविधि को अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित करता है। यानी यहाँ पर उसने महसूस किया था कि वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि है वो दलालों के कारण होता है। आज भी आप देखोगे कि जहाँ मवेशियों का बाजार है वहाँ पर दलाल के माध्यम से मवेशी का क्रय और विक्रय किया जाता है, और दलाल की गतिविधियों के कारण मवेशियों के मूल्यों में वृद्धि होती है। तो एक तो दलालों की गतिविधि को यहाँ कंट्रोल करता है, उनको भी पंजीकरण करना पड़ता है, उनके ऊपर सरकारी जो अधिकारी हैं वो अधिकारी एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा यहाँ भी इन चीज़ों की कीमत को निर्धारित करता है। यानी कीमत भी एकदम फिक्स कर देता है कि किस तरह के घोड़े का कितना कीमत होगा, किस तरह के मवेशी का कितना कीमत होगा, किस तरह के दास का कितना कीमत होगा। यानी ये तीन तरह के बाजारों के माध्यम से मांग एवं आपूर्ति के प्रबंधन की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का करने का कार्य करता है। और इस संपूर्ण व्यवस्था के संचालन के लिए वह प्रशासनिक प्रबंधन भी करता है। ध्यान ये रखना कि बिना प्रशासनिक प्रबंधन के इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। और प्रशासनिक प्रबंधन करने के लिए उसने कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट की स्थापना की, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। तो सबसे पहला जो उसने काम किया कि दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना करता है, जिसको वाणिज्य विभाग कहते, वाणिज्य मंत्रालय का गठन किया। और वाणिज्य मंत्रालय का काम है कि बाजार सुधार की उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो कार्यक्रम है, उसकी जो नीतियां हैं, उसका क्रियान्वयन करे। और इससे दीवान ए रियासत विभाग के अंतर्गत उसने कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी है साहना ए मंडी। साहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता है, मार्केट इंस्पेक्टर होता है, और वह साहना ए मंडी जो है बाजार में जिस तरह की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था उसकी देखभाल करता है कि क्या उसी के अनुरूप बाजार में गतिविधियां हो रही है या
कोई ऐसा व्यापारी है, कोई ऐसा दुकानदार है जो सरकार के द्वारा जारी की गई नियम के का अतिक्रमण करता है, उसका उल्लंघन करता है और इन सारी गतिविधि की सूचना लेने के लिए उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे एक बरीद है जो गुप्तचर का काम करता है, वो बाजार में गुप्तचर के रूप में गुप्त रूप से उपलब्ध होता है और वह बरीद जो है भी अलाउद्दीन खिलजी को सूचना देता है बाजार की गतिविधियों के संदर्भ में। और एक अलग से अधिकारी है मुनहियान, जिसको सूचनादाता कहते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक प्रबंधन के माध्यम से अपनी बाजार सुधार व्यवस्था को लागू किया। आमतौर पर जब उसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी सरकार के लिए कि पूरी तरह से मूल्य नियंत्रण को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अधिकांश समकालीन इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार व्यवस्था है, खास करके मूल्य नियंत्रण, मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया थी वह पूरी तरह सक्सेस थी, यानी कि वह मूल्य नियंत्रण करने में सफल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग अधिकांश इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बाजार में वस्तुओं के कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, राइट? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार, बाजार नियंत्रण। तो आप इसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन इसके अंतर्गत आपको करना है आलोचनात्मक समीक्षा, राइट? ये क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि हमने देखा कि उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से बाजार सुधार करता है, और फिर आपको इसके अंतर्गत आलोचनात्मक समीक्षा के अंतर्गत कि उसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सीमाएं क्या थी, कमियां क्या थी, इस पर भी आपको बल देना है, राइट? हालांकि उसका बाजार नियंत्रण व्यवस्था सफल था, क्योंकि अधिकांश समकालीन इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्सेस था। लेकिन फिर भी इसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था की कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? देखो, अगर समाज में वस्तुओं का मूल्य अगर नहीं बढ़ेगा तो उत्पादक जो वर्ग है, ध्यान ये रखना है कि उत्पादक वर्ग क्यों उत्पादन करेगा, क्योंकि लाभ की प्रेरणा जो है, ये लाभ की प्रेरणा उत्पादक वर्ग को बहुत प्रभावित करती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, इससे लाभ की प्रेरणा ही समाप्त हो गई, राइट? जैसे आप देखोगे कि अगर वस्तुओं के मूल्य को हम एकदम से फिक्स कर दें, तो वस्तुओं के मूल्य को फिक्स करने से क्या होता है कि जो भी उत्पादक है उसके लाभ में कमी आ जाती है, और उत्पादक के लाभ में अगर कमी आएगी तो उत्पादकता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लाभ ही उत्पादक को प्रेरित करता है कि वो वस्तुओं का उत्पादन करे। ये आज के भी समाज में लागू है, और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को देखोगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा स्फीति टारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस मुद्रा स्फीति टारगेटिंग के अंतर्गत भारत सरकार ने 4+2 ये दो कॉन्सेप्ट लेके आया है कि 4 होना चाहिए, या 4 से 6 हो जाए, या 2% मुद्रा स्फीति रहे। ये रहना जरूरी है, क्योंकि मुद्रा स्फीति नहीं रहेगी तो इससे उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए यह हानिकारक कदम था। तो उत्पादक वर्ग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इस बात को ध्यान में रखना है। उत्पादक वर्ग मतलब कृषक वर्ग, क्योंकि अगर मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि जो है हमारे सबसे मजबूत क्षेत्र था, अर्थव्यवस्था का रीढ़ था, और अर्थव्यवस्था का रीढ़ था तो कृषक वर्ग की लाभदायकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कारीगर जो वर्ग है, उस कारीगर वर्ग की लाभदायकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कारीगरों को भी लाभ उतना नहीं मिलेगा जब फिक्स प्राइस रहेगा। और तीसरा, अगर व्यापारी वर्ग है
तो व्यापारी वर्ग को भी इसमें कम लाभ प्राप्त होगा, और इसलिए समान तौर पर अर्थव्यवस्था के जो रीढ़ होते हैं उत्पादक के, चाहे वो कृषि उत्पादक वर्ग हो या कारीगर वर्ग हो या व्यापारी, उनके लिए यह बाजार सुधार व्यवस्था हानिकारक था। एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बाजार सुधार या मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में लागू थी, और ये उत्पादक वर्ग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से थे। तो एक इसकी यह भी आलोचना की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार सुधार व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों को इससे हानि होती है, उनके बल पर नगरीय क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। और उस समय के अगर समाज को देखोगे तो उस समय के समाज में जो नगरीय लोग हैं उनका प्रतिशत काफ़ी कम था, तो उनका प्रतिशत काफ़ी कम था, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग थे और ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोग किसी न किसी उत्पादन की गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो समग्र अगर जनसंख्या के रूप में भी देखो तो जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक नहीं है। लाभदायक किसके लिए था? तो यह व्यवस्था जो है लाभदायक था वेतनिक वर्ग के लिए, है ना। और हमने पहले में ही कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है जिसके बारे में वर्णी बात करता है कि यह व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था और अपने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था, उसका साम्राज्य विशाल था और उस विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए उसके पास बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता थी और बड़ी संख्या में सैनिकों की वो नियुक्ति करता है और उसके सैनिक अस्थायी भी रहते हैं, तो उनको कम वेतन प्रदान किया जाए, कम वेतन पर एक बहुत बड़ी और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था का निर्माण करके अपनी ताकत को मजबूत किया जाए। इसी उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था का संचालन किया था। इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सैनिक हैं, उनको इसका लाभ मिलता है, उनके लिए यह लाभदायक था। और साथ ही साथ अगर आप बात करें कि जो उपभोक्ता वर्ग है और ख़ास करके शहरी क्षेत्र का जो उपभोक्ता वर्ग है, वो शहरी क्षेत्र का उपभोक्ता वर्ग जो है इससे काफ़ी लाभान्वित होता है, क्योंकि उसको एक निश्चित मूल्य जब रहेगी तो निश्चित मूल्य अगर वस्तुओं की अगर होगी तो ये उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और इसलिए उनको इसका लाभ मिला। और इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार सुधार व्यवस्था है यह व्यवस्था उसके प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उसके सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और साथ ही साथ जो है कि जो शहरी क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनको भी उससे लाभ मिलता है, तो कुछ इसमें जन कल्याण भी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो इस तरह के प्रश्न का निष्कर्ष लिखते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। क्या हम वर्तमान समाज में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन करके मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं? तो यस, आज भी हम मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करते हैं मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है या बाजार सुधार जो था वह अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम मुद्रा स्फीति का नियंत्रण करते हैं उस सिद्धांत के अनुकूल था। और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक निरंकुश शासक था तो उसने निरंकुशता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इसकी कई सीमाएं थी, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष इसमें यह था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकाल में ऐसे जटिल और कठिन काम को करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया और इसके माध्यम से वो अपने साम्राज्य को मजबूत किया और इसके माध्यम से मूल्य को नियंत्रित करके और ख़ास करके
उसमें आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए जन वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्था करके एक नवीन दिशा का प्रतिपादन किया था कि मध्यकाल में भी अर्थव्यवस्था का संचालन किस तरह से तार्किक रूप में, किस तरह से वैज्ञानिक रूप में किया जा सकता है। इस तरह से आप इसके प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।